हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी के बारे में। इसमें फ्रेंड आपके लिए रिक्रूटमेंट निकली है, जो कि यंग एंड डायनामिक प्रोफेशनल लोगों के लिए एक वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, वो कौन सी वैकेंसी इसके लिए आवेदन कर सकते, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज क्या है, सैलरी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड बात करते हैं जो हमारी निकले हुए नोटिफिकेशन के पे चलते हैं। तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नोटिफिकेशन 1/2021 रिक्रूटमेंट फॉर यंग एंड डायनामिक प्रोफेशनल लोगों के लिए है। ठीक है, यहाँ पे हम भर्ती की बात करते हैं। जो मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट E4 Grade 1 वैकेंसी, फर्स्ट क्लास आपका एमबीओलॉजी, 2 ईयर का PGDMA या फिर है ना DPG DBM, 40 साल की आपकी मार्केटिंग या इक्विवेलेंट डिग्री 60% होने चाहिए या इक्विवेलेंट आपके होने चाहिए CGPA फ्रॉम रिकॉग्नाइज के यूनिवर्सिटी से, यानी आपके 60% या उसके इक्विवेलेंट CGPA होना चाहिए। ठीक है, सैलरी यहाँ पे जैसे 70 से 2 लाख के करीब है और यहाँ पे आपको उसके बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगा। कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस इन पावर सेक्टर फील्ड, बिजनेस आपका बिजनेस डेवलपमेंट मार्केटिंग एनालिसिस, ठीक है, कोऑर्डिनेट विद रिलेवेंट अथॉरिटीज। यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, यहाँ पे आपके आ रही है SR ऑफिसर की जो वैकेंसी है, यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी 50 से 1,60,000 तक, फर्स्ट क्लास MBA विद 60% मार्क होंगे या इक्विवेलेंट उसके CGPA, 2 ईयर आपका PGDMA इन HR सोशल वर्क MSW फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। आपका कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस इन फील्ड पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटर में या HR में। सीनियर इंजीनियर आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी E2 1 वैकेंसी, 2 साल का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस और IT विद 60% मार्क होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट CGPA। यहाँ पे उम्र 32 दे रखी है, यहाँ पे भी उसकी उम्र 32 दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे 1 साल का अनुभव मांगेगा पोस्ट क्वालिफिकेशन। ठीक है, आपकी रिलेवेंट फील्ड में सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर E2 ग्रेड 50 से 1,60,000 या CA या CMA, 2 साल का आपको 2 साल की MBO विद स्पेशलाइजेशन फाइनेंस एंड विद मिनिमम 60% मार्क, इक्विवेलेंट CGPA ऑन पॉइंट स्किल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट शुड हैव 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिव पोजीशन हैंडलिंग फाइनेंस मैटर एंड ऑर्गेनाइजेशन रेपिटेटिव। 32 आपकी एज दे रखी है। आपका यहाँ पे सेक्रेटरी की यहाँ पे आपको दे सकते हैं ऑफिसर ग्रेड आपकी जो वैकेंसी है। कैंडिडेट शुड हैव बी एन एसोसिएट मेंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ ASC। कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड मिनिमम 55% ऑफ मार्क ऑफ इन फाइनल एग्जामिनेशन ICI। कैंडिडेट हैविंग रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन कंपनी ऑन रेपिटेटिव फील्ड भी प्रेफर्ड, 32 दे रखा है। सुपरवाइजर यहाँ पे आप देख सकते हैं P&A S1 Grade, 2 वैकेंसी हैं आपकी ग्रेजुएट एंड एनी डिसिप्लिन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 साल का आपका अनुभव होने पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, 32 साल की आपकी एज दे रखी है। यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी जूनियर प्रोग्राम है S1 Grade 22,000 से लेकर 80,000 तक, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। कैंडिडेट है 1 साल का है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होनी है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में। ठीक है भाई, जो नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर अकाउंटेंट S1 Grade की, 3 वैकेंसी है जिसमें CA Inter IPC, यहाँ पे आपकी जो सैलरी 22,000 से 80,000 तक है, या MCOM BCOM ऑनर्स विद मिनिमम 55%, 32 आपकी एज रही है। कैंडिडेट हैव शुड आपको 3 ईयर इन लाइन पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन रेपिटेटिव, 32 साल दे रखा है। ठीक है, एज यहाँ पे आपका सुपरवाइजर सोलर पावर सिस्टम की यहाँ पे 13 वैकेंसी हैं, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल, 32 आपकी एज दे रखी है। आपको 1 साल का अनुभव होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन में, जो कि फील्ड ऑफ सेटिंग ऑफ सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट पावर जनरेशन ट्रांसमिशन में। ठीक है, अदर टर्म और कंडीशन यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे आपकी वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल दे रखी है। ठीक है, इनका चार्ट दे रखा है, मैं तो आपको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको इजीली दिखाई दिया सके। ठीक है, और यहाँ पे रिलेक्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको OBC के 3 साल का है, SC ST के लिए 5 साल का, फिजिकल डिसेबिलिटी के 10 साल का देखा है, एक्स सर्विसमैन का गवर्नमेंट के इंडिया के हिसाब से दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो पैकेज है उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी SECI रिजर्व द राइट टू फिक्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ पे आपको जो कॉल फॉर पर्टिकुलर बेस्ड मार्क ऑप्टेन 10th 12th ग्रेजुएशन एंड डिसाइड बाय द रिटन टेस्ट। ठीक है, या ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू या एनी अदर मोड ऑफ स्क्रीनिंग देयर ऑफ नो कॉरस्पॉन्डिंग विल बी एंटरटेन फॉर नो कॉल नॉन
नॉन कॉलिंग कैंडिडेट फॉर एनी सिलेक्शन प्रोसेस फॉर नॉन सिलेक्शन डिसीजन SC/SCI रिग्रेट विल बी फाइनल द बाइंडिंग ऑन द ऑल द कैंडिडेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इसकी वेबसाइट है, इस पर कैरियर पे जाके आप दे सकते हैं। और अदर कंडीशन यहाँ पे दे सकते हैं, आपकी इंडियन नागरिकता होना चाहिए, बाकी डिटेल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो रिटन टेस्ट तसेम मे बी हेल्ड ऑन दिल्ली, तो यहाँ पे दिल्ली में होगा, तो यहाँ पे आपकी जानकारी आ रही है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे फ्रेंड 10/2/2021 से 11 बजे से, एंड क्लोज होंगे 9/3/2021 को। ठीक है, तो अभी टाइम है, तो आप ये नोटिफिकेशन दे रखा है, मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो इसकी ये जानकारी थी जो नोटिफिकेशन निकला था, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया फ्रेंड। अगर ये इन्फॉर्मेशन या वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़ें, डेली आप लोगों को ऐसी ही ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी फ्रेंड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।